एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप? आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ख़ास आप लोगों की फरमाइश पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी है भाई माहडा की जो लॉटरी आने वाली है 2022 टू 2023 की, उसके बारे में जानने की। तो अब तक मैंने जो वीडियो में इंफॉर्मेशन दिया था, उसके बाद आपको बताया था कि मैं हर एक जगह पर जाऊँगा, जाके तफ्तीश करूँगा और वहाँ के प्लस पॉइंट जो भी बातें हैं, जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है वो मुकम्मली तौर पर, अगर सैंपल फाइट वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है तो वो भी दिखाऊंगा। बट काम चल रहा है एंड मैं गोरेगांव में ही मौजूद हूँ अभी, और जिस लॉटरी का मैंने बताया था आपको कि गोरेगांव के लिए जो लॉटरी आ रही है, ये उन्नत नगर रोड नंबर 2 है, इसको प्रेम नगर भी कहा जाता है, प्रेम नगर मच्छी मार्केट। एंड यहाँ जो प्रोजेक्ट बन रहा है, ये माहडा का 2022 में जो दिवाली के टाइम ऑनलाइन फॉर्म का पोर्टल आएगा, उससे आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, भर सकते हैं। एंड मैं आपको कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ कि कंस्ट्रक्शन लगभग कितना तैयार हो चुका है, कितना बन चुका है। तो मेरे बैक साइड पे आप जो देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जो तैयार किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम लमसम तरीके से चल रहा है। ये हमारा वही लॉटरी है गोरेगांव का, एंड EWS LIG कैटेगरीज के ये सारे फ्लैट्स हैं, आप देख सकते हैं। एंड देखा जाए तो मेरे ख्याल से इसको रेडी होने के लिए लॉटरी के जब फॉर्म फिल करेंगे आप, तो लगभग 2023 तक इसका रिजल्ट अनाउंस होगा, सन 2023 तक, क्योंकि 2022 में इसका पोर्टल आ जाएगा एंड ऑनलाइन आप फॉर्म सबमिट कर सकेंगे, एंड 2023 में इसका रिजल्ट अनाउंस होगा। एंड उसके बाद कुछ मंथ तक प्रोसेसिंग चलती है, आपको मतलब जो लोग भी विनर लिस्ट में जिनका नाम आता है उनको अलाटमेंट के लिए भी प्रोसेसिंग चलता है, तब तक तो मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से पोजीशन के लिए रेडी हो जाए, या उसके कुछ वक्त तक और इसे टाइम लगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं देख रहा हूँ काम तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन एक साल या डेढ़ साल इसको जाना चाहिए कंप्लीट होने में। बट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है भाई, ये करने पर आती है तो रातों रात मतलब बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देती है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट लोकेशन के बारे में मैं बात करूँ तो लोकेशन बहुत ही अच्छी जगह पर है, और जिस जगह पर हूँ मैं, ये यहाँ से आगे जो रोड गई हुई है ये मच्छी मार्केट को कनेक्ट करती है, एंड यहाँ से मैं ये सीधा रोड पकड़ूँगा तो मैं अपना जो मलाट वाला जो रोड है वहाँ पर निकल जाऊँगा। एंड जो इसी के जस्ट अपोजिट साइड में HIG वालों का माहडा लॉटरी है, मैं आपको वहाँ पर भी लेके चलूँगा। देन इन लोगों की रेट की बात करें, जो कॉस्ट रहेगा, कॉस्टिंग रहेगा, तो लगभग EWS कैटेगरी का, जैसा कि 22 लाख में प्रोवाइड किया जाता है फ्लैट, एंड LIG कैटेगरी वालों को 30 लाख में, एंड MIG को 55 लाख, एंड HIG का मे बी 69 लाख हो सकता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये तो EWS एंड LIG कैटेगरी वालों के लिए है। एंड और मैं आपको थोड़ा सा घूम घूम के बताता हूँ और यहाँ के प्लस पॉइंट भी बताऊँगा मैं आपको। तो वीडियो स्टार्ट कर दिया मैंने, वीडियो में बने रहे हैं आप। यहाँ से जो भी लोकेशंस, जो भी चीज़ें पास हैं, जो भी यहाँ की मेन स्पॉट्स है, वो सारे ही नज़ारे मैं आपको बताते जाऊँगा और यहाँ की खूबियाँ भी मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखें। ये जो सामने से रोड आ रहा है, ये उन्नत नगर के मछली मार्केट वाला रोड है, जो आकर आगे आके फोर वे वाले रास्ते में डिवाइड हो जाता है, एंड इसी से लगा हुआ हमारा ये माहडा का प्रोजेक्ट है। और ये जो फोर वे रास्ता डिवाइड होता है, वहीं से लेफ्ट लेंगे तो आप इसके मेन एंट्रेंस पर पहुंच जाएंगे। ये बैक साइड वाला गेट है माहडा के प्रोजेक्ट का, उन्नत नगर का। एंड राइट लेंगे तो आप लिंक रोड चले जाएंगे, एंड फ्रंट निकल जाएंगे तो आप गोरेगांव में ही आगे चले जाएंगे। तो ये अब हम आ जाते हैं फ्रंट साइड, फ्रंट ये एंट्रेंस गेट है मेन आपका उन्नत नगर प्रोजेक्ट का, एंड इसी के जस्ट अपोजिट साइड पे आप देखेंगे ये गार्डन लगा हुआ, एंड ये सामने जो रोड है ये आपको MG रोड से कनेक्ट करेगा, एंड ये राइट साइड वाला आपको लिंक रोड से कनेक्ट करेगा। सो फाइनली गाइस, आप जो मेरे बैक साइड पे पीछे देख रहे हैं, ये आई थिंक मेन इंटरेस्ट रहेगा EWS LIG कैटेगरी के जो माहडा के लॉटरी में फॉर्म निकलेंगे, जो फ्लैट मेंशन आप लोगों को जो मिलेंगे विनर आप लोगों को, तो ये मेन इंटरेस्ट रहेगा। एंड जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था वो मछली मार्केट साइड का इंटरेस्ट था, एंड यहाँ की सबसे ख़ास बात ये है कि आप देख सकते हैं कि आपके इंटरेस्ट से लगा हुआ गार्डन है, तो आप गार्डन का भी इंजॉय कर सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं।
तो इसके अंदर भी गार्डन एंड सोसाइटी की जो फैसिलिटीज़ होती है, एमिनिटीज़ में जो प्रोवाइड की जाती है, वो सारी चीज़ें सुविधाएं आपको दी जाएंगी। तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है एंड मेरे सामने आप देखेंगे तो ये जो आप जो रोड आपको कनेक्ट कर रहा है, ये आप भी रोड से कनेक्ट करता है एंड राइट साइड में बैक साइड में मैं फ्रंट पे जाता हूँ तो लिंक रोड से कनेक्ट हो जाता है। तो जगह बहुत ऑसम है, बहुत ही ज़बरदस्त है एंड यहाँ का कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो सकता है बिकॉज मुंबई का बहुत ही क्रीम स्पॉट में आता है गोरेगांव जैसी जगह एंड उन्नत नगर रोड नंबर 4 कहते हैं इसे, ये प्रेम नगर भी कहलाता है। तो जो जगह है यहाँ से मलाड हुआ, अंधेरी हुआ, वीरा देसाई हुआ, सारी चीज़ें कनेक्टेड है एंड बात करी जाए मेट्रो की तो मेट्रो जब स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ की प्रॉपर्टी और ज़्यादा बूम पर आ जाएगी। वैसे भी यहाँ की प्रॉपर्टी, यहाँ के रेंट, यहाँ का आउटरेट बहुत ज़्यादा बूम पर है, बट मेट्रो स्टार्ट होने के बाद यहाँ की प्रॉपर्टी मतलब आसमान अभी छू रही है, आसमान के ऊपर भी अगर कोई दूसरा आसमान होता होगा तो वो छूएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी अभी तक के लिए एंड आगे बढ़ता हूँ, आगे और भी कुछ रोचक जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आपको वो भी बताऊँगा।